आपको आपके YouTube चैनल के लिए किस तरह की वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करनी चाहिए, किस तरह की वीडियो नहीं अपलोड करनी चाहिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा सही तरीके से कि आपको अपने YouTube चैनल को अच्छा रखने के लिए यानी YouTube एल्गोरिथम से चेक कराने के लिए यानी मोनेटाइज करने के लिए उसके ऊपर आपको स्टार्टिंग की किस तरह की वीडियो अपलोड करनी चाहिए। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन ये है, आप ऑर्गेनिक वर्क करके 4000 घंटे ऑटोमेटिकली अगर आपके वीडियो के वॉच टाइम की वजह से कंप्लीट होते हैं और आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो दोस्तों वो एक अलग वे है। और दूसरा वे ये है कि अगर आप अलग से किसी से आर्टिफिशियल वॉच टाइम यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम परचेज करना चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हो, आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए और कैसी किस तरह की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है स्टार्टिंग में इस तरह की गड़बड़ कर देते हैं तो उसकी वजह से उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता। कोई भी रीज़न दे देता है यूट्यूब, आपको रियूज कंटेंट भी दे सकता है और इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन भी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आ सकता है। इसके अलावा रिपीटेड कॉन्टेंट की वजह से भी आपका यूट्यूब चैनल रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं सिर्फ छोटे से शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा और आपको वही काम करना है और उस चीज़ पर फोकस करना है कि इस तरह की ही वीडियो मुझे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले तो वो बात बताता हूँ कि जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर किसी को हम बोलते हैं जिसको 4000 घंटे कंप्लीट कराने हैं अपने चैनल के ऊपर तो वो ये बोलते हैं कि आप 5 वीडियो अपलोड करो, तो वो 5 वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। और कुछ YouTube क्रिएटर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में नया चैनल बनाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम किसी भी तरह की वीडियो डालकर अपने YouTube चैनल के ऊपर उसके ऊपर व्यूज ला के उसके 4000 घंटे पूरे करा सकते हैं, फाइनली चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखा है कि किसी वीडियो के लिए हमने किसी को रिकमेंड किया है कि आप अपने चैनल के ऊपर 5 वीडियो या व्लॉग टाइप की वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दीजिए। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी वीडियो को व्लॉग टाइप में शूट करते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह से शूट करके उसके अंदर एक कमी डाल देते हैं जिसकी वजह से चैनल रिजेक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मोनेटाइज नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है मोनेटाइजेशन से। तो क्या करते हैं कि सामने का अपना फेस दिखाएंगे, सिंपल वो अपने ही वीडियो बनाए हुए होते हैं लेकिन उस वीडियो के अंदर वो आवाज़ नहीं आती है, वो वॉइस नहीं रहती है, जिसकी वजह से YouTube एल्गोरिथम उस वीडियो को, उस चैनल को वेरीफाई कर सके कि इस YouTube चैनल के ऊपर प्रोफेशनली वर्क किया जा रहा है। जिस चैनल को YouTube एल्गोरिथम प्रोफेशनली नहीं समझता है तो उस चैनल के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करके चैनल को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि उनकी वीडियो तो बनी हुई होती है, मतलब बना देते हैं वीडियो को, तो उनका जो फेस है वो ठीक तरह से नज़र नहीं आता है, तो अपने वीडियो के अंदर उल्टी सीधी बातें बोल के उल्टा सीधा कहीं पे बोल दिए कहीं पे नहीं बोले, तो साफ से वॉइस ना डालकर ऐसी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उसके अंदर भी क्रिएटिविटी जाहिर नहीं होती है कि इस बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो डाली है प्रोफेशनली तौर पर ये सही है। तो कोई ऐसा प्रूफ वीडियो के अंदर चैनल के ऊपर रहता ही नहीं कि जिसकी वजह से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टीम या YouTube का एल्गोरिथम चैनल को स्कैन करके जल्दी से मोनेटाइज कर दे। तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि आपको अपने YouTube चैनल के लिए चाहे तो आप ऑर्गेनिक वर्क करें या 4000 घंटे वॉच टाइम आर्टिफिशियल वॉच टाइम पूरा कराएं, तो उस दोनों कंडीशन में आप एक ही काम कर सकते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसे आपने एग्जाम्पल अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे आपको किसी से लेने हैं तो आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा और आपको मैं यहाँ पर ये काउंटिंग बता रहा हूँ कि कितनी वीडियो की काउंटेशन यहाँ पर आपको रखनी है। 5 वीडियो आपको चैनल के ऊपर अपलोड करनी होती है, 5 वीडियो, कम से कम 5 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर होनी चाहिए। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप 4000 घंटे कंप्लीट कराना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक वीडियो का सैंपल मैं बता देता हूँ। आप इस तरह से एक वीडियो शूट कीजिए सामने फेस वाली, फेस में आपकी वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है फेस की वैल्यू की वजह से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी वॉइस आपकी वीडियो के अंदर फेस के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो उससे और ज़्यादा हैवी चांसेस हो जाते हैं आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग ज़्यादातर गड़बड़ी ये कर देते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूजिक्स ऐड कर देते हैं, जबकि उन्हें स्टार्टिंग में न्यू चैनल के लिए इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि क्या बैकग्राउंड में वीडियो को अच्छी बनाने के लिए म्यूज़िक डालना ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको म्यूजिक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से यानी अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल
के अंदर जो आपने वीडियो अपलोड कर रखी है तो उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ मत करें, उसकी वजह से भी रियूज कंटेंट की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली तौर पर अपनी वीडियो को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हो, आपको पहले से यूट्यूब एल्गोरिदम का ज्ञान है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जो वीडियो आपने अपलोड की है उनके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको अलग अलग यूट्यूब वीडियो से नहीं डाउनलोड करने हैं, मतलब यूट्यूब पर से नहीं उठाने हैं, आप कॉपीराइट फ्री जाकर गूगल पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन के अंदर जैसे पावर डायरेक्ट और काइन मास्टर के अंदर काफ़ी सारे कॉपीराइट फ्री जो है म्यूजिक्स आते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से काफ़ी सारे म्यूजिक को यूज़ करके वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अवॉइड करना है बैकग्राउंड म्यूजिक को। शुरू में आपको इतना ज्ञान नहीं होता तो आप इसको अवॉइड ही कीजिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है आपकी वीडियो के लिए, आपकी वीडियो के अंदर ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, आपकी बेहतरीन आवाज़ यानी आपकी वॉइस। आपकी वॉइस जितनी ज़्यादा साफ़ होगी, जितनी ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी, तो एल्गोरिथम को यही लगेगा कि हाँ प्रोफेशनली तौर पर आवाज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, चैनल भी अच्छा है, तो इस चैनल को मैं मोनेटाइज कर देता हूँ, मतलब एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, जैसे मैं यहाँ पर मेरा फेस दिख रहा है, तो इसकी जो क्वालिटी है अगर आप 360 पिक्सल में भी अपलोड करते हैं तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल आपकी वॉइस रखती है आपकी वीडियो के अंदर। अगर आप नॉर्मल तौर पे अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो अपलोड करना चाहते हो और उस चैनल को स्टार्टिंग में ही मोनेटाइज कराना चाहते हो, चाहे तो 4000 घंटे कंप्लीट करा के 1000 सब्सक्राइबर के साथ में, या आप ऑर्गेनिक वर्क करना चाहते हो चैनल के ऊपर, तो आप स्टार्टिंग में ऐसी वीडियो अपलोड करें जो कि जिसके अंदर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अच्छे से वेरीफाई कर ले यूट्यूब का एल्गोरिथम, तभी आपका एक ही स्टेप में एक ही बार में चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो की क्वालिटी बताना इंपॉर्टेंट ये समझ रहा था कि आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दूर से ही वीडियो को शूट कर देते हैं, जैसे कैमरा यहाँ पर लगा दिया, मोबाइल यहाँ पर लगा दिया, और कम से कम 20 फुट की दूरी पर लोग बैठे हैं, उनके व्लॉग शूट कर रहा है, वहाँ से उनके बैकग्राउंड में आवाज़ भी नहीं आती है, समझ भी नहीं आता है लोगों को, और एल्गोरिथम क्या समझेगा इन चीज़ों को कि टेम्परेरी तौर पर इमरजेंसी में या नॉर्मल तरीके से इसने वीडियो को अपलोड कर दिया, कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो उस चैनल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूट्यूब एल्गोरिथम नहीं समझता है। मेन दो क्रिएटिविटी होती है दोस्तों, पहला तो आपकी फेस वैल्यू, दूसरा आपकी वॉइस वैल्यू। अगर आप वॉइस वैल्यू अपनी वीडियो के अंदर अच्छी रखते हैं तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी से एल्गोरिथम वेरीफाई कर लेता है और आपके यूट्यूब चैनल को ऑटोमेटिकली मोनेटाइज कर दिया जाता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम की तरफ से। तो इस चीज़ का आपको फोकस रखना है। मेन फोकस ये है कि आपकी वीडियो के अंदर आपकी फेस की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन उससे भी बढ़कर कहीं ज़्यादा आपकी वॉइस की वैल्यू मायने रखती है आपकी वीडियो के लिए, आपकी यूट्यूब चैनल की हेल्थ के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो प्रैक्टिकली बात मैंने बताई है, जो मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और यूनिक वीडियो लेकर आता रहता हूँ और फ्यूचर में भी आता रहूँगा। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।